रूस के एंगल्स एयरबेस पर फिर से धमाके की खबर आ रही है। रूसी मीडिया में एयरबेस पर धमाके की खबर है। पहले भी एंगल्स एयरबेस पर हमला हो चुका है। यूक्रेन पर ड्रोन से एयरबेस हमले का शक है, रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर है। ये देखिए सायरन की आवाज भी सुनिए आप। तो देवाजर, रूस जो भी कहे, यूक्रेन तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि रूस भले ये पोस्टरिंग करे कि साहब हम तो ये जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन उसकी मंशा ऐसी नहीं है, इसलिए यूक्रेन को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जी, मेरे हिसाब से एक परिपेक्ष को देखना जरूरी है। हाँ। कि क्रिसमस के दिन हाँ। ये मैसेज दिए जा रहे हैं, जिस समय युद्ध की बात करना अप्रासंगिक होता है। तो दोनों पक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो इस बारे में बड़े ही रीजनेबल हैं, उनका शांति से सरोकार है, पर दूसरा पक्ष नासमझी कर रहा है, अड़ियल है और बेतुकी बातें कर रहा है। सर, बट आपको लगता है उस लिहाज से क्रिसमस को देखते हुए आने वाले 13 दिन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 7 तारीख को रशिया में और यूक्रेन में 7 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है करुणा, और ऐसे में जेलेंस्की बार बार ये आकर कह चुके हैं कि रूस की मंशा ही यही है। और एक और बात है, भले ही बयान दिए जा रहे हो शांति वाले, लेकिन वो वास्तविकता में वॉर जोन में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक दूसरे पर जमकर हमले हो रहे हैं, ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स।